नगर में लड़कों को लूटने का नया खेल। योगी की पुलिस ने इमरान गैंग को दबोचा। डेटिंग ऐप से लड़कों को पहले फंसाती है, फिर खाना ऑर्डर कर बड़ा बिल थमाती है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। यूपी और दिल्ली में अब लड़के लड़कियों का एक नया खेल सामने आया है। एक गैंग जो पूरे दिल्ली एनसीआर में चल रही है, इस गैंग में लड़कियां लड़कों को फंसाती है और फिर लूटने का काम करती है। यूपी के गाजियाबाद के एक कैफे में चल रहे डेटिंग ऐप स्कैम का खुलासा पुलिस ने किया है। इसमें लड़कों को ठगने का काम तेजी से किया जा रहा था। 24 अक्टूबर को कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन के पास से टाइगर कैफे में छापा मारा है गाजियाबाद की पुलिस ने, जिसमें पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 5 महिलाएं, 1 मैनेजर, 2 कैफे मालिक शामिल है इस पूरे स्कैम में। इस पूरे खेल का मुखिया साहिबाबाद का रहने वाला खालिद उर्फ इमरान बताया जा रहा है, जिसमें साथी सुमित और नदीम को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। ये दोनों दिल्ली में रहते हैं, वो भी इस पूरे स्कैम में शामिल थे और इस गैंग को योगी की पुलिस ने धर लिया है। लड़के के दोस्त की मदद से हुआ पूरा खुलासा। बता दें, दिल्ली में विकास गुप्ता नाम का एक लड़का जो डेटिंग ऐप के माध्यम से एक लड़की से मिलने कैफे गया, वहां उसने सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर की और सॉफ्ट ड्रिंक का बिल उसे 16,000 थमा दिया। ये देख लड़का बिल भरने से इनकार करने लगा तो कुछ बाउंसर्स ने उसे बंधक बनाया और 50,000 रुपयों की डिमांड की। लेकिन लड़के की दोस्त की सूझबूझ से पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया है। विकास से कैश के तौर पर 4,500 रुपए लिए गए और ऑनलाइन 2,500 रुपए। फिर पुलिस ने इस पूरी गैंग को पकड़कर खुलासा किया है इस पूरे खेल का। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई डेटिंग ऐप जैसे टिंडर और बंबल जैसे ऐप जो लड़के लड़कियां चलाते हैं और जिस लोकेशन पर वो होते हैं वहीं से एक दूसरे से तुरंत जुड़ जाते हैं और ये खेल पूरे भारत में चल रहा है, बल्कि भारत के बाहर भी चल रहा है, जिसमें अब लड़के लड़कियों का डेट करना आसान हो गया है। इसमें कुछ लड़के जो ये गैंग चला रहे हैं वो लड़कों को लड़कियों से मिलने के बहाने कैफे बुलाते हैं, बकायदा लड़कियों को भेजते हैं, लड़कियां लड़कों से बात करती है और फिर उन्हें कॉफी या खाने के लिए बुलाती है और अपने मन पसंद के रेस्टोरेंट पर ले जाती है और फिर वहां अपने ही पसंद से खाना ऑर्डर करती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब बिल आता है तो 20,000, 25,000, 50,000 तक का बिल। और ये देख लड़का ये सोचता है कि इतना तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं जितना बिल आया है। तब ये पूरी बात लड़के को समझ जाती है कि उसके साथ तो स्कैम हुआ है, एक बड़ा स्कैम हुआ है। और जब वो बिल देने के लिए मना करता है तो कुछ बाउंसर उसे घेर लेते हैं और जबरन बिल भरवाते हैं। ये एक पूरी गैंग है जिसमें लड़के लड़की और कैफे मालिक भी शामिल होते हैं। बता दें, ऐसे कैफे में कोई कैमरा नहीं होता जिससे कि पुष्टि हो जाए कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और कहीं ना कहीं कैमरे से ये पता लग जाता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे किसी के बुलाने पर नहीं जाए, नए लोगों पर भरोसा ना करें इतनी आसानी से। और यदि डेटिंग ऐप भी आप चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये एक पूरा गैंग है जो कि ठगने का काम बड़ी तेजी से कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो है ही, लेकिन अन्य बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज में भी ये काम तेजी से चल रहा है, जिसमें अब लड़कों को ठगा जाता है, बकायदा बिल पकड़ाया जाता है और बिल तो भरना ही पड़ता है क्योंकि बाउंसर वहां पर घेर लेते हैं, फिर कोई चारा नहीं बचता बिल भरने के अलावा। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।